देव नाम प्रिय। देखिए पुराने जो राजा लोग होते थे वो उपाधियां धारण करते थे, उपाधियां, इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। देव नाम प्रिय, क्या नाम है? देव नाम प्रिय। किस राजा ने ये उपाधि धारण की थी? तो आपके सामने चार जवाब हैं। पहला दशरथ ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा बृहद्रथ ने और चौथा इसमें कोई नहीं। बताइए आप लोग किसने देव नाम प्रिय? अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती, जिन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म धारण किया था, अशोक ने देव नाम प्रिय उपाधि धारण की थी। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता? देखिए पहले तो राज्य और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर तांबा जो है किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला मिर्जापुर, दूसरा बांदा, तीसरा हमीरपुर और चौथा ललितपुर। चलिए सही जवाब है कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता। देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं सब जमीन के अंदर अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, फिर इनका जो है शुद्धिकरण होता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर में कई सारी ग्रंथियां हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चार ऑप्शन में दे रहा हूँ। लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अमाशय। यकृत, हाँ यकृत हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। अब चलिए बहुत ही सरल प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला। हाँ ऑप्शन देने से पहले ही आप लोगों ने बता दिया शिमला, तो जानकारी आपको है शिमला बहुत ठंडा, लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं, कहते हैं शिमला घूमने जाओ, मसूरी घूमने जाओ, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर उत्तरी में यानी उत्तर भारत में पाया जाता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य? चार ऑप्शन ध्यान से सुन लो, देखिए जल बहुत कीमती होता है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए बजट, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की जा रही है। आप समझिए पानी कितना कीमती है कि उसके लिए भी अब पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि पैसा शिक्षा स्वास्थ्य इसके लिए होना चाहिए, सुरक्षा, तो पानी के लिए खर्च करना पड़ रहा है। तो कौन सा राज्य है जो पानी के लिए बजट की व्यवस्था कर रहा है, जल बजट को अपनाने वाला? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल? केरल। वेरी गुड, केरल राज्य जो है पानी के लिए बजट निर्धारित करेगा। बजट का मतलब समझते हो, सरकार जो है पैसा अनुमानित पैसा लगा बनाती है कि इतना पैसा हमें इस पर खर्च करना है, इस पर ऐसे, इस पर, इस पर। तो घर में भी बजट बनता है कि पैसा जो आमदनी है उसका कितना भाग पढ़ाई में, कितना भाग घूमने में, खाने पीने में, तब गृहस्थी चलती है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ध्यान से सुन लीजिए चार ऑप्शन, पहले शिक्षा मंत्री जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राज गोपालाचारी। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित, पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो जैसे कि देव नाम प्रिय अशोक ने उपाधि धारण की, इसी तरह विजयनगर के एक राजा हुए जिन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, तो उन राजा का क्या नाम? मैं चार ऑप्शन बता रहा हूँ, देवराज, कृष्णदेव राय, विजयराज द्वितीय, विरूपाथा द्वितीय। कृष्णदेव राय। वेरी गुड, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ठीक है।